दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का नाश्ता। आइए दिखाते हैं क्या क्या सामग्री है। दोस्तों सामग्री इस प्रकार है, हमने ये बारीक कटा हुआ धनिया लिए है, ये हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ, ये एक टमाटर है बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्ची है बारीक कटा हुआ, एक प्याज है बारीक कटा हुआ, एक कटोरी सूजी लिए है, एक कटोरी दही लिए है। अब हम सब सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक बड़ा चम्मच नमक डाल रहे हैं। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट इसको हम रखेंगे। दोस्तों जितना अच्छा इसको फेटे उतना ही अच्छा स्वाद आता है, सब सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। दोस्तों 10 मिनट हो गया ये अच्छे से। अब हम कढ़ाई रख दिए गर्म होने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे। राई फूट रहा है, अब हम थोड़ा थोड़ा अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। दोस्तों 2 मिनट हो गया, अब हम देखते हैं पता है ये पका है। अब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेते हैं। दो मिनट तक अभी हम इसको ढक के रख देते हैं। दोस्तों 2 मिनट हो गया, पक गया अच्छे से। अब हम निकालेंगे, ऐसे ही हम बाकी के फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ये कढ़ाई नहीं है तो आप तवा पे भी बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। दोस्तों सूजी का नाश्ता बनके तैयार है। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।